तो देखिए भरवा करेला कितना बढ़िया बना है। आज मैं आपके साथ में भरवा करेला बनाने की ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मैं हमेशा ही घर पे बनाती हूँ। और इस तरह से बनाई हुई करेले की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। भरवा करेला बनाने के लिए मैं ले रही हूँ करेले, तो ये लिए मैंने 250 ग्राम। तो इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसके डंठल में निकाल रही हूँ, और डंठल निकाल कर हमें इस तरह से इसके ऊपर की स्किन निकाल लेना है। देखिए इस तरह से, इससे क्या होगा कि करेले की कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो देखिए इसी तरह से मैंने पूरी स्किन निकाल ली है, और करेले को हम बीच में से इस तरह से कट लगा लेंगे, और इसके अंदर की जो बीज रहती है ना, वो हमें निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से इसके बीज निकाल रही हूँ मैं। तो पूरी तरह से हमें इसकी बीज निकाल लेना है, जिससे हम इसके अंदर मसाला अच्छे से भर सकें। इस तरह के भरवा करेले बनाने के लिए हम कोई भी करेले ले सकते हैं, बड़े या छोटे। मुझे इस तरह के मिले इसलिए मैंने इस तरह के लिए हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने बीज निकाल लिए हैं, और जो हमने स्किन निकाल कर रखी है उसे भी हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इसे हम नमक में छोड़ देंगे, जिससे कि इसका भी पानी निकल जाएगा, जो कड़वा पानी रहता है वो निकल जाएगा। तो देखिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच इतना नमक, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक ये पानी छोड़ रहा है, तब तक हम करेले को बॉईल कर लेंगे। तो पैन में हम डालेंगे 1 ग्लास इतना पानी और 1 चम्मच इतना नमक। चुटकी भर हल्दी डालेंगे, इससे क्या होगा कि करेले की कड़वाहट पूरी तरह से निकल जाएंगी और करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ करेले, और करेले डालने के बाद इसे हमें 5 मिनट के लिए बॉईल होने छोड़ देना है। तो इसे ढककर मैं 5 मिनट के लिए पका रही हूँ। तो देखिए 5 मिनट में करेले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, ये थोड़े सॉफ्ट भी हो चुके हैं, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ हम मसाला बना लेंगे, जो हम करेले के अंदर भरने वाले हैं उसका। तो उसके लिए मैंने 3/4 कप मूँगफली ली है, इसे मैं भून रही हूँ। और साथ ही साथ 2 सूखी लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है, इसे भी हम चला लेंगे। उसी के साथ मैं डाल रही हूँ 3/4 कप इतना सूखा नारियल, जो मैंने किस कर रखा था उसे हम ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना है हमें, क्योंकि ये तुरंत ही जलने लग जाता है, देखिए। और साथ ही साथ हम डालेंगे धनिया के बीज, तो ये 1 चम्मच मैं ले रही हूँ, इसे भी हम भुनेंगे। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच इतना तेल, जिससे मसाला हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से भून पाएंगे। और उसी के साथ इसमें ऐड करेंगे जीरा, तो 1/2 चम्मच हमें जीरा लेना है। और उसी के साथ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच इतनी खसखस, तो खसखस ऑप्शनल है, अगर हमारे पास खसखस नहीं है तो हम 1 चम्मच इसमें तिल ऐड करते हैं। और साथ ही साथ हमें 8 से 10 कलियाँ लहसुन की इसमें ऐड कर लेना है, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें भून लेना है, जिससे खसखस भी फूटने लगेंगी और मसाला भी बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाएगा। तो इस मसाले को हमें निकाल कर ठंडा कर लेना है, और उसके बाद में मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस कर रेडी कर लेना है। तो करेले के भरावन के लिए जो मसाला है उसे हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, तो एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बारीक कट कर लिया है, तो उसे मैं ऐड कर ले रही हूँ। और प्याज को हमें बिल्कुल कलर आने तक भूनना है, और जब प्याज को अच्छे से कलर आ जाए तब उसके अंदर हम ऐड करेंगे जो करेले की हमने स्किन निकाल कर रखी है, वो ऐड करेंगे। तो उसे भी मैंने धोकर साफ कर लिया है 2 पानी से। तो देखिए प्याज का कलर आ चुका है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे करेले की स्किन। तो इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि ये स्किन सॉफ्ट हो जाए और इसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाए, इतना हमें इसे भून लेना है। और जब ये अच्छे से भून जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच इतना हल्दी पाउडर, उसके साथ हम लेंगे 1 चम्मच इतना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये ज़्यादा तीखा नहीं रहता है, इसलिए मैं रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच इतना गरम मसाला, और उसी के साथ 1/4 चम्मच ले रही हूँ धनिया पाउडर। तो मसालों को हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेंगे।
तो देखिए इस समय मैंने गैस की फ्लेम लो रखी है और लो फ्लेम पर मैं मसालों को भून रही हूँ। और जब मसाला एक मिनट के लिए अच्छे से भून जाए तब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाने छोड़ देंगे। ढककर हमें इतना पकाना है कि बस करेले की स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला भी अच्छे से पक जाएगा, इतना हमें पकाना है। तो देखिए करेले भी अच्छे से हो चुके हैं और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे मैं अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच। तो अमचूर पाउडर ऑप्शनल है, अगर हम चाहें तो इसमें इमली का पल्प ऐड कर सकते हैं 1 बड़ा चम्मच, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ इसमें ऐड कर रही हूँ मैं मसाला जो हमने भून कर रखा था, वो मैंने पीस कर लिया है, उसे मैं डाल रही हूँ। तो इसे बिल्कुल बारीक हमें पीसना है और इसे भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक। तो नमक हमें करेले की सब्ज़ी में थोड़ा सा कम ही ऐड करना है क्योंकि हमने करेले को भी नमक लगा कर रखा था। और साथ ही साथ इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कटा हुआ हरा धनिया, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है भरावन के मसाले में। तो मसाला हमारा बढ़िया तरीके से बनकर रेडी है। तो अब हम करेले को स्टफ कर लेते हैं। करेले भी ठंडे हो चुके हैं और मसाला भी हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। तो देखिए इस तरह से इसमें मैं मसाला भर रही हूँ। तो सभी करेले में हमने मसाला भरकर रेडी कर लिया है। तो देखिए मसाला हमने कितना बढ़िया तरीके से इसमें भरा है। तो चलिए भरवा करेले की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं 3 से 4 चम्मच तेल कढ़ाई में डाल रही हूँ और उसके अंदर हम करेले रखेंगे। तो करेले हमें इस तरह से रखना है कि करेले का मुँह ऊपर आ जाना चाहिए, देखिए इस तरह से, जिसे नीचे से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और जब ये नीचे से अच्छे से फ्राई होंगे तब हम इसे पलट देंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद इसे हमें पलटना है। एक करेले को आप पलट कर देखिए और उसके कलर चेंज होता है, तभी हमें बाकी के करेले पलटना है। देखिए इस तरह से आप देख सकते हो करेले नीचे से कितने क्रिस्पी हो चुके हैं और नीचे से भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकने छोड़ देना है। और उसके बाद में इसमें ऐड करना है कटा हुआ हरा धनिया, जिसे ग्रेवी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा हरा धनिया का। और साथ ही साथ मैं मसाला ऐड कर रही हूँ, जो हमारा मसाला भरावन का बचा था वो मसाला हमें ऐड कर लेना है। तो अगर आपको सूखे करेले पसंद है तो आप इस तरह से सिर्फ करेले को फ्राई कर करके भी निकाल सकते हैं, और अगर ग्रेवी वाले पसंद है तो इस तरह से इसमें हमें पानी ऐड कर लेना है क्योंकि हमने मसाला पहले अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो हमें इस अभी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम तुरंत ही पानी डाल देंगे और करेले को पकने छोड़ देंगे। और ग्रेवी में जब एक उबाल आ जाएगा तब हम करेले इस तरह से सीधा कर लेंगे, नहीं तो करेले का मसाला पूरा निकल सकता है। तो देखिए इस तरह से हम सीधे कर कर करेले को पका लेंगे और दोनों साइड से करेले अच्छे से हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं। इसके लिए करेले का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा ग्रेवी के अंदर। तो देखिए अब इसे हम लीड लगा कर पकने छोड़ रही हूँ और साथ ही साथ इसमें 1/4 चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप इसमें चेक कर कर ही ऐड कर कीजिए, नहीं तो करेले के सब्ज़ी में अक्सर नमक ज़्यादा हो जाता है। आप सब्ज़ी में ग्रेवी कितनी रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं थोड़ी ग्रेवी थोड़ी सी थिक रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसे और पका लिया है 5 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पर हमारे करेले पक कर रेडी है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है। और साथ ही साथ डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सब्जी को हम सर्व कर सकते हैं गेहूं की रोटी, ज्वारी की रोटी, बाजरे की रोटी या तंदूरी रोटी, सभी के साथ इसका टेस्ट बहुत बढ़िया जाता है। और जब सब्जी बन जाए तब हमें गैस तुरंत ही बंद कर लेना है और इसके ऊपर हमें ऐड करना है 1/2 नींबू का रस और इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कर लेना है। इस सब्जी में तो करेले का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और उससे बढ़िया आता है उसके ग्रेवी का टेस्ट। तो हमने महाराष्ट्रियन स्टाइल भरवा करेला बनाकर रेडी कर लिया है। तो अगर आपको मेरी भरवा करेले की रेसिपी पसंद आई है और भी रेसिपी देखने का कोई मन होगा तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। और जाते जाते मेरे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेंगी। इसी तरह से हम मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।